मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरं मंगलम विश्वजिन्धरं मंगलम वीरशाश्वतं मंगलम देवा दे 1080 भगवान महावीर स्वामी की परम आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की आज का ये उत्सव भगवान महावीर स्वामी के लिए समर्पित और उनके अनुयायियों के लिए। भगवान महावीर स्वामी 2550 निर्माण महामहोत्सव कल्याणक महोत्सव के रूप में इस प्रकार से मनाएंगे। कल्याणक शब्द में पहले एक का शब्द है और लास्ट में एक का शब्द है, इसका अर्थ है अपना भी कल्याण और जो आया उसका भी कल्याण। ये कल्याणक महोत्सव होगा और मुझे खुशी है राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ जो है आज यहाँ से उद्घोष कर रहे और इसके बाद पूरे भारत वर्ष में जो 70,000 शाखाएं हैं उन सब में भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा की और सत्य की और परिग्रह की चर्चा करेंगे। महानुभाव इस देश में समय समय पर बहुत लोग आए, सब आए, कौन आए, पुर्तगालियन आए, फ्रेंची आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, बहुत लोग आए, हमारी संस्कृति से बहुत छेड़छाड़ किया हुआ, लेकिन हमारे जो भक्त रहे, हमारे जो श्रद्धालु रहे, जो महापुरुषों पर बहुत आस्था रखते थे, ऐसे लोगों ने इस संस्कृति का बहुत संरक्षण और संवर्धन किया। ये दो संस्कृति हमारी जो श्रवण संस्कृति और वैदिक संस्कृति, दो संस्कृति का जो सामंजस्य रहा, आपस में मेल रहा, मिलाप रहा, एक साथ रहे, क्रियाओं को लेकर के आदान प्रदान किया, ज्ञान को लेकर के आदान प्रदान किया, इसके कारण आज भारत पूरा समृद्ध है, समृद्ध है। और साथ चल के ही हम दोनों अपनी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करा कर सकते हैं। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। मैं लोगों से कहता हूं दुनिया के सामने मोहनलाल जी, दुनिया के सामने दो ही विकल्प है, महाविनाश या महावीर, महाविनाश या महावीर। महाविनाश विश्व की समस्या है और उस समस्या का समाधान भगवान महावीर स्वामी है। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि भगवान महावीर स्वामी का धर्म बड़ा वैज्ञानिक धर्म है और इतना वैज्ञानिक धर्म है यदि ये सारे विश्व में फैल जाए तो सब जगह शांति ही शांति आ सकती है, इतना वैज्ञानिक धर्म है। वैज्ञानिक धर्म इसलिए है क्योंकि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति का सूक्ष्म वर्णन किया है। इससे राष्ट्र की महिमा बढ़ी है, इससे राष्ट्र की सेवा बढ़ी है, इसलिए सूक्ष्म वैज्ञानिक तथ्य जो धर्म को बताया गया है। यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का जो धर्म है वो बहुत ही विशेषताओं को लेकर के रखता है। यहाँ प्राणी मात्र को जीने का अधिकार दिया जाता है, उनका धर्म व्यापक है, व्यवहारिक है। सर्वोदय तीर्थ की यहाँ पर स्थापना होती है जहाँ सर्वभाषा का सम्मान होता है, सर्वभाषा सरस्वती, सर्वोदय तीर्थ, हर प्राणी को जीने का अधिकार दिया जाता है। मैं जैन धर्म की कुछ विशेषताएं बताता हूँ कि जैन धर्म में क्या विशेषता है, क्योंकि इसमें प्राचीनता है, इसमें व्यापकता है, इसमें व्यवहारिकता है, इसमें उदारता है, इसमें समृद्धता है, इसमें वैज्ञानिकता है, इसमें सूक्ष्मता है। क्योंकि जैन धर्म की विशेषता इसलिए है कि जैन धर्म कर्तावादी नहीं अकर्तावादी है, जैन धर्म स्वार्थी नहीं है राष्ट्रवादी है, जैन धर्म व्यक्तिवादी नहीं है यह वस्तुवादी है, जैन धर्म जो है परतंत्रवादी नहीं है स्वतंत्रवादी है, जैन धर्म एकांतवादी नहीं है अनेकांतवादी है, जैन धर्म जो है ये पर्यावरणवादी है, जैन धर्म जो है परीक्षा प्रधानी है,
जैन धर्म जो है आदेश की भाषा नहीं उपदेश की भाषा बोलने वाला है, और जैन धर्म जो है बहुत वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है। जैन धर्म की कुछ बातें हैं चार पांच जो आचार्य गुरु विद्यानंद महाराज जी कहते थे इनका प्रचार होना चाहिए। पहली बात, आत्मानुशासन, स्वयं पर स्वयं का शासन होना, ये आत्मानुशासन है। दूसरा, अनेकांतवाद, सबके साथ समन्वय की कला, सबके साथ समन्वय की कला अनेकांतवाद है, सबके साथ लेके चलना। अहिंसावाद, किसी का भी व्यर्थ में मन मत दुखाओ, उसकी आत्मा को दुख मत दो, ये अहिंसावाद। अपरिग्रहवाद, अति लोभ खतरे की घंटी है, इस बात को समझ लो अपरिग्रहवाद से। और स्यादवाद, पहले बोलो पहले तोलो और बाद में बोलो, ये स्यादवाद की शैली है। जैन धर्म, भगवान महावीर स्वामी का जैन धर्म जो है वो सोशल वेलफेयर है, भगवान महावीर स्वामी का जो धर्म है वो साइंटिफिक है, भगवान महावीर स्वामी का जो धर्म है ऑथेंटिक है, भगवान महावीर स्वामी का धर्म जो है प्रैक्टिकेबिलिटी है। ये इतना सुंदर धर्म है, यदि इसका प्रचार प्रसार जगत में विश्व में होता है तो निश्चित ही देश में विश्व में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण हो सकता है। महानुभाव, हम सब लोग ऐसे भगवान महावीर स्वामी का महोत्सव मना रहे हैं, जिनका जन्म जो है वैशाली कुंड ग्राम में हुआ, और ऐसा वैशाली जहां प्रत्येक जो भी नेता बनता था, हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने जहां पर स्मारक रखा, महावीर स्वामी का स्मारक रखा है, स्थापना की है, और वहां पर जाकर के श्रद्धा से सुमन अर्पण करते हैं, ऐसी वैशाली जिनकी कर्म भूमि बुद्ध की भी रही वो कर्म भूमि, ऐसे महावीर स्वामी के समकाल में हुए। और उनका जो निर्माण हुआ वो पावापुरी जो बिहार में है वहां से उनका निर्वाण हुआ। महावीर स्वामी का समुसरण पूरे विश्व में विचरण करके अहिंसा का जय घोष किया, अहिंसा का जय घोष किया, जियो और जीने दो, क्या जो बात उन्होंने बताई, अहिंसा परमो धर्म बताया, और कहा कि पड़ोसी से भी प्रेम करो, लोगों से भी प्रेम करो, जीवों से प्रेम करो। ये महावीर स्वामी का धर्म है, इतना विशाल धर्म है कि जो पशु को भी परमेश्वर बनने का अधिकार देता है। ये महावीर स्वामी का धर्म है, जहां आत्मा परमात्मा बन सकती है। ये महावीर स्वामी का धर्म है, जहां हर भक्त भगवान बन सकता है, भगवान बन सकता है। आप इंसान बने और इंसान के बाद भगवान बने, ये आपका अधिकार है। महावीर स्वामी जो है स्वतंत्रता पर विश्वास रखते हैं, प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, आप अपने पुरुषार्थ से बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जैन दर्शन को फैलाने वाले, उसके प्रचारक उसके प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी हुए हैं। मैं चाहूंगा भगवान महावीर स्वामी जन जन तक पहुंचे, भगवान महावीर स्वामी लोगों के मन मन तक पहुंचे, उनके आस्थाओं पे पहुंचे, जिससे यह देश विकास को प्राप्त हो, यह देश समृद्ध बन सके, इस देश में सुख शांति खुशहाली आए। अभी 2550 निर्माण महा महोत्सव के उपलक्ष्य में ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं, 2.5 करोड़ पेड़ पौधे पूरे भारत में लगाए जा रहे हैं। 2550 निर्माण महा महोत्सव के उपलक्ष्य पर जिसको दिया गया है हर घर घर वाटिका अहिंसा वाटिका, घर घर वाटिका अहिंसा वाटिका के रूप में अभियान चलाया जाएगा और चल रहा है, और पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। अहिंसा पावापुरी अहिंसा रथ जो पूरे विश्व में जब पूरे भारत में भ्रमण कर रहा है, गांव गांव जाकर के 6 लाख गांव को कवर करेंगे, जिसमें अहिंसा शाकाहार सादा जीवन उच्च विचार की शिक्षाएं दी जाएंगी, इसके लिए जो है रथ के प्रवर्तन चल रहा है। भगवान महावीर निर्माण महा महोत्सव समिति जो 2 वर्ष पूर्व बनी थी, इसी उद्देश्य से बनी थी, और यहीं पर इसका शंखनाद हुआ था। हमारे इंद्रेश कुमार जी ने मुख्य अतिथि उसमें थे, और उन्होंने इसका शंखनाद किया था यहाँ से कि भगवान महावीर स्वामी का निर्माण उत्सव पूरे विश्व स्तरीय पर मनाया जाएगा। हम गौरवान्वित हैं, आज सभा में हमारे डॉक्टर मोहन राव जी भागवत जी उपस्थित हुए, और उनके
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली की ओर से यह कार्यक्रम का जो बहुत सुंदर आयोजन किया जा रहा है, यह एक अवसर प्राप्त हुआ है। ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये उनका सौभाग्य है। क्या है? ये सौभाग्य है कि यहां बैठकर के भगवान महावीर स्वामी के गीत गा रहे हैं और उनकी प्रार्थना कर रहे हैं कि संसार में जो है भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत को पहुंचाया जाए, जिससे ये विश्व जो है, हमारा जो भारत जो है विश्व का गुरु बने। हमारा जो भारत है विश्व का गुरु बने। अभी आपने जो अयोध्या में इतना सुंदर कार्य किया, और राम कहो, बुद्ध कहो, महावीर कहो, इन सब की संस्कृति का संरक्षण संवर्धन जो आपके माध्यम से हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। हमारे जो है डॉक्टर अनिल जैन जी, जो प्रांत के संचालक हैं, जो यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी जो है इसमें योगदान है, हमारे जतिन जी और सीताराम जी व्यास जी, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हमारे चारों संप्रदाय के लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे दिगंबर जैन समाज से गजराज जैन गंगवाल जी, और जो मूर्ति पूजक समाज से हमारे संवेग भाई जी आए हैं, संवेग भाई जी, और तेरापन समाज से मनसुख सेठिया जी, स्थानक समाज से आनंदमल छल्लानी जी, ये सभी आए हुए हैं, और जीटो से रमन जैन जी आए हुए हैं, कन्हैयालाल जी जो हमारे भगवान महावीर मेमोरियल के अध्यक्ष हैं, और वो जब भी मेरे पास आए बोले महाराज जी आपने मेरी आंखें खोल दी। कम से कम 10-15 मीटिंग हुई कि 2550 निर्माण महामहोत्सव को लेकर के, और उन्होंने कहा था कि हम सब लोग एक छत्र छाया में बैठ करके महावीर स्वामी का गुणगान गाएंगे। और अभी उन्होंने कहा हम इंदिरा गांधी स्टेडियम से बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, लाखों लोग इकट्ठे होंगे। इसी बीच हमारे बीच में दिल्ली के अध्यक्ष हमारे चक्रेश जैन जी हैं, उनको भी बहुत आशीर्वाद। हमारे आइनॉक्स के पांड्या जी, देवीलाल पांड्या जी भी आए हुए हैं, सुधांशु जी महावीर से आए हुए हैं, और हमारे सरराज कासलीवाल जी यहाँ तो खड़े हो जाएंगे। ये पूरे भारत में 70 साधुओं के पास निवेदन करने गए थे, दिगंबर सितंबर सभी साधुओं के पास, कि इस महोत्सव को हमें राष्ट्रीय स्तर पर मनाना है। बहुत मंगल आशीर्वाद है। और इस महोत्सव के हमारे सत्यभूषण जैन जो है जो मुख्य संयोजक हैं, वो भी उपस्थित हैं, कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद जी हैं, सभी को मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है। मैं सिर्फ एक मिनट लेना चाहूंगा मोहन जी, मैंने एक राष्ट्र के लिए गीत बनाया है, भारत के लिए गीत बनाया हुआ है, एक मिनट लगेगा, और वो गीत आपके लिए समर्पित है और पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित है, और मैं चाहूंगा ये गीत पूरे भारत के बच्चों बच्चों तक पहुंचना चाहिए। मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, बोले मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, बोले मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। यही समय है सही समय है, यही समय है सही समय है, त्यागो तुम परदेश मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। मेरी माता मेरी माटी मेरी माता, सच्चा है स्वदेश मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महा, बोले मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। और आदिनाथ ने क्या बोला, कृषि करो या ऋषि बनो तुम, कृषि करो या ऋषि बनो तुम, ऋषभ देव उपदेश मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। और महावीर स्वामी ने क्या बोला, जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको, महावीर संदेश मेरा देव मेरा देश मेरा भारत। और विकसित भारत शिक्षित भारत, विकसित भारत शिक्षित भारत, भारत ही सर्वेश मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। और नई बात,
भव्य भारत नव्य भारत, भव्य भारत नव्य भारत, बदल रहा परिवेश, मेरा देव मेरा देश, मेरा भारत महादेव, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, हम सबका उद्देश्य, मेरा देव मेरा देश, मेरा भारत महादेव, मेरा देव मेरा देव, मेरा भारत। हमारे बीच में जो तीर्थंकर यूनिवर्सिटी से सुरेश जी हैं, उनको भी बहुत मंगल आशीर्वाद है। जस साहब जी और हमारे स्वामी जी मोहनराज जी स्वस्थ रहे, उज्जवल उनका भविष्य बने, और भारत में प्रत्येक प्राणी का जो अधिकार है, जीवन है, उनका अच्छा कर सके, सबका सहयोग कर सके, और इस भारत को जो है राष्ट्र जो भारत है, जो हिंदू राष्ट्र भारत है, जो हमारा भारत देश भारत का भारत है, उसको आप जो है संस्कारित करें और लोगों को जोड़ें, ऐसी मंगल कामना से सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।